वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तुलिका होम्योपैथिक फिजिशियन। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको फीवर के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ जो कि फीवर में बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स देती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि फीवर के लिए एकोनाइट नेप्लस है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो एकोनाइट नेप्लस जो मेडिसिन है वो बुखार के जो प्रथम अवस्था होती है, जो इनिशियल स्टेज होती है, उस टाइम ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जो बुखार की जो प्रथम अवस्था होती है उसमें अगर बहुत ठंड या बहुत गर्म मौसम में अगर सामान्य ज्वर होता है, सामान्य फीवर होता है, आपको नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उस टाइम, तो एकोनाइट नेप्लस आपकी बहुत ही अच्छा उस टाइम वर्क करेगी। साथ ही साथ और जो पेशेंट रहते हैं उसके फेस पे हमेशा चेहरा उसका एकदम चमकदार रहेगा, लाल रहेगा और गर्म भी रहता है। उसके फेस पे हमेशा रेडनेस रहेगा और फेस हमेशा हॉट रहेगा। अगर आप पेशेंट का चेहरा आप टच करते हैं तो आपको हमेशा वो गर्म फील होगा। साथ ही साथ पेशेंट को हमेशा बेचैनी हमेशा बनी रहती है, पेशेंट को हमेशा बेचैनी रहेगी, पेशेंट हमेशा बेचैन महसूस करेगा, ये उसकी पिक्युलरिटी सिम्टम है। एकोनाइट की ये पिक्युलियर सिम्टम में आती है कि पेशेंट हमेशा बेचैन फील करता है। इस टाइम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट नेप्लस देंगे तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। एकोनाइट नेप्लस आप 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। दिन भर में 3 टाइम आप एकोनाइट नेप्लस दे, दो दो बूंद करके दिन भर में आप 3 बार एकोनाइट नेप्लस दे, उससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट में हो तो आप उसे एकोनाइट नेप्लस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सेकेंड मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि है बेलाडोना। बेलाडोना होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि फीवर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देती है। बेलाडोना का जो पेशेंट रहता है उसको उसको अगर फीवर होती है तो वो उसको कभी प्यास नहीं लगती है। बेलाडोना के पेशेंट को कभी प्यास ही नहीं लगेगी, वो कभी आपसे पानी मांगेगा ही नहीं। तथा उसके जो पैर जो रहते हैं वो एकदम बर्फ़ जैसे ठंडे रहेंगे। बेलाडोना का जो पेशेंट रहता है उसका पैर हमेशा बर्फ़ की तरह ठंड रहेंगे और ऊपर का जो पार्ट होता है बॉडी के, जो पेशेंट का जो ऊपर का बॉडी का पार्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगा, काफ़ी हॉट रहेगा। अगर आप उसके बॉडी को टच करेंगे तो वो काफ़ी हॉट रहेगा, काफ़ी गर्म रहेगा। अपर पार्ट्स गर्म रहता है और जो पेशेंट का जो पैर रहता है वो हमेशा बर्फ़ की तरह ठंडे रहते हैं। अपर पार्ट्स इसलिए गर्म रहते हैं क्योंकि पेशेंट का टेम्परेचर हमेशा हाई टेम्परेचर में रहता है, फीवर काफ़ी ज़्यादा, हमेशा हाई फीवर पेशेंट को रहता है। साथ ही साथ जो पेशेंट, अगर कोई इंसान बाहर जाता है, धूप में जाता है, धूप में आने के बाद उसे फीवर लग जाती है, धूप की वजह से उसे फीवर लग जाती है, उस टाइम ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगी आपको। अगर आप बेलाडोना 30 पोटेंसी में दिन भर में 3 टाइम देते हैं, दो दो बूंद करके दिन भर में आप 3 टाइम सुबह दोपहर रात अगर आप देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देता है। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स अगर आपको किसी पेशेंट में मिले तो आप उसे बेलाडोना प्रेस्क्राइब कर सकते हैं और वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि है जलसेमियम। जलसेमियम होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये आपको फीवर में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। साथ ही साथ जलसेमियम का जो पेशेंट रहता है उसके मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और पेशेंट का जो मरीज का जो कमर के ऊपर का जो और तथा कमर के नीचे का जो भाग रहता है, कमर के ऊपर या नीचे का भाग में उसके ठंड बढ़ते जाती है, उसके कमर के नीचे ठंड रहे पर बढ़ते जाएगी तथा कमर के ऊपर भी ठंड बढ़ते जाएगी और मरीज चाहता है कि कोई उसे पकड़े क्योंकि
उसके पेशेंट के बॉडी में ठंड बढ़ते जाती है तथा पेशेंट कांप रहा होता है। अगर पेशेंट को ठंड लगेगी, अगर पेशेंट को फीवर रहेगी और पेशेंट को ठंड लगेगी तो मरीज़ उस समय कांपेगा। तो ऐसा कोई अगर सिम्टम्स किसी पेशेंट में दिखे तो आप उसे जलसेमियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ पेशेंट को सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है, पेशेंट के सर दर्द हेडेक बहुत ज़्यादा हेडेक रहेगी पेशेंट को। साथ ही साथ उसे प्यास भी नहीं लगेगी। अगर पेशेंट अगर आपसे पानी नहीं मांगेगा, पेशेंट को कभी जलसेमियम के पेशेंट को कभी प्यास नहीं लगती है। और साथ ही साथ उसका जो नाड़ी जो रहता है, उसका जो पल्स रेट है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे चलेगी और काफ़ी सॉफ्ट होगी, काफ़ी कोमल होगी धीरे धीरे करके। और उसका जो पल्स रेट है वो एकदम फुल पल्स रेट होगा। और पेशेंट हमेशा शांत रहना पसंद करेगा। पेशेंट हमेशा अगर वो बेड पे है तो बेड पे भी रहेगा तो वो काफ़ी शांत रहेगा। वो एकदम शांत रोगी हमेशा शांत रहना, जलसेमियम का पेशेंट हमेशा शांत रहना पसंद करता है। अगर ऐसा किसी पेशेंट में दिखे, ऐसा किसी रोगी में दिखे तो आप उसे जलसेमियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जलसेमियम में आप इसे 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। दो दो बूंद करके दिन भर में 3 टाइम दीजिए, सुबह दोपहर रात, दिन भर में 3 टाइम दीजिए और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि है ब्राइनिया एल्वा। ब्राइनिया एल्वा काफ़ी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत सारे डिजीज़ में ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। और साथ ही साथ ये ब्राइनिया एल्वा आपको फीवर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देती है। ब्राइनिया एल्वा का जो पेशेंट रहता है, अगर ब्राइनिया एल्वा का पेशेंट अगर बाहर ठंडी हवा चल रही है तो ठंडी हवा के वजह से अगर ब्राइनिया एल्वा के पेशेंट को शीत लग गई और उसे बुखार हो गया, उसे फीवर हो गया, और फीवर के साथ साथ अगर उसे खांसी हुई, उसको ड्राई कफ हुआ, वो उसको अगर खांसी होने लगी और उसके थ्रोट में, उसके वक्ष में जो थ्रोट में पेन होने लगा, पीड़ा होने लगी, तो उस टाइम ये होम्योपैथिक मेडिसिन ब्राइनिया एल्वा आप दे दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। साथ ही साथ उस जो पेशेंट रहता है, जो मरीज़ रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा, उसको काफ़ी अत्यधिक पसीना होगी, काफ़ी पसीने के साथ उसको फीवर होगी, तो उस टाइम आप उसे ब्राइनिया एल्वा दीजिए। और पेशेंट को फीवर में उसको सिर में काफ़ी दर्द रहेगा, दर्द पेशेंट को ऐसा फील होगा जैसे उसके सर में कोई हैमर से, कोई हथौड़ा से टन टन मार रहा हो, उसका सर में टन टन जैसी आवाज़ आएगी, उस टाइम आप उसे ब्राइनिया एल्वा दें, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट में मिले तो आप उसे ब्राइनिया एल्वा दे सकते हैं ताकि आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। और आप इसे 30 पोटेंसी में इसका यूज करें। 30 पोटेंसी में आपको दिन भर में 3 टाइम आप यूज कर सकते हैं, दो दो बूंद करके आप दिन भर में 3 टाइम आप पेशेंट को दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको नेक्स्ट मेडिसिन के पास ले चलती हूँ जो कि है रस्टक्स। रस्टक्स आपने बहुत सी बीमारियों में सुना होगा, रस्टक्स बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। रस्टक्स का जो पेशेंट रहता है वो फीवर, अगर उसको फीवर होती है तो वो काफ़ी वीकनेस, अंदर से काफ़ी वीकनेस फील करेगा, काफ़ी निर्बल रहेगा, अंदर से बहुत वीक कमज़ोर महसूस करेगा, काफ़ी बेचैन रहेगा, और साथ ही साथ उसके पूरे बॉडी में, उसके पूरे शरीर में कंपन रहती है, कंपन हमेशा उसके पूरे बॉडी में बनी रहती है। और साथ ही साथ वो काफ़ी वीकनेस अंदर ही अंदर काफ़ी वीक महसूस करेगा और बेचैनी के साथ ही उसको फीवर होगी, और साथ में साथ फीवर के साथ साथ उसको बुखार के साथ साथ उसको डायरिया भी होगा। अगर फीवर के साथ साथ किसी को अगर दस्त होता है, किसी पेशेंट को डायरिया होता है, उस टाइम आप उसे रस्टक्स दे सकते हैं। और उसको साथ, उस पेशेंट को साथ में ड्राई कफ भी होगा, उसको सूखी खांसी भी होगी, और होठों पे जो है वो एक लेयर टाइप का बना रहेगा जो कि आप उसे मृत त्वचा की पपड़ी बोल सकते हैं। होठों पे एक
वाइट लेयर मृत त्वचा की पपड़ी जमी पड़ी रहेगी और उसके पूरे फेस में बुखार जब भी होगा तो उसके पूरे फेस में इरप्शंस रहेंगे, दाने निकले रहेंगे। अगर ऐसा किसी में अगर पेशेंट में लक्षण दिखे तो आप उसे रस्टक्स प्रिस्क्राइब करें, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। आप उसे रस्टक्स 200 में प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देंगी। आप उसे 200 पोटेंसी में दिन भर में आप दो बार दे, सुबह या रात दे, दिन भर में दो दो बूंद करके, सुबह या शाम आप दो दो बूंद करके रस्टक्स आप दे, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको एक और मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि ये भी होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये बायो कम्बिनेशन 11 नंबर जो होती है होम्योपैथिक मेडिसिन, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये फीवर के लिए काफ़ी अच्छा मेडिसिन होती है, ये आपको हमेशा गोली में उपलब्ध रहेगी क्योंकि ये फ्रेंड्स बायो कम्बिनेशन में आती है, तो हमेशा छोटे छोटे गोली टैबलेट टाइप की गोली में आपको हमेशा मिलेगी। ये फ्रेंड्स आप कोई भी मेडिसिन ले, रस्टक्स ले, जेलसेमियम ले, ब्राइनिया ले, बेलाडोना ले, आप कोई भी फीवर की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप उसको साथ साथ आप उसको बायो कम्बिनेशन 11 नंबर दवा आप साथ साथ ले सकते हैं। 5 टाइम आप ले सकते हैं, दिन भर में आप 5 टाइम आप ले सकते हैं, 4-4 गोली करके आप दिन भर में 4 से 5 टाइम आप उसे उस दवा को आप ले सकते हैं। आप सुसुम पानी के साथ भी आप उसे उस दवा को ले सकते हैं या फिर आप ऐसे टैबलेट को आप चूस कर आप उसे खा सकते हैं। वो टैबलेट जैसी छोटी छोटी टैबलेट जैसी रहती है, तो आप उसे उस दवा को आप रस्टक्स, ब्राइनिया, बेलाडोना किसी भी दवा के साथ आप उसे अगर यूज करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देगी और जल्दी रिकवरी भी देगी तथा जल्दी क्योर भी आप हो जाएंगे, जल्दी रिकवर कर जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स देगी।